हेलो फ्रेंड्स, सुधाकर फूड एंड फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट स्टाइल में चटपटी मसालेदार आलू बैंगन की सब्जी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे लगभग 1 टेबल स्पून के लगभग ऑयल डाल देंगे। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे आधे छोटे चम्मच साबुत जीरा। जीरा अच्छे से चटकने लग गया है, गैस का फ्लेम यहाँ पे हम कम कर देंगे और बाकी के मसाले इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर और इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 छोटी चम्मच। तो यहाँ पे अगर आप प्याज खाना पसंद करते हो और प्याज डालें तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट लहसुन के साथ बहुत अच्छा आता है, तो मैं सिर्फ लहसुन इसमें डाल रही हूँ। इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये आलू। तो ये कच्चे आलू हैं, मैंने इनको ऐसे क्यूब साइज़ में काट लिया है। तो इनको हम पहले फ्राई कर लेंगे थोड़ा, क्योंकि बैंगन जो है वो तो हमारे जल्दी पक जाते हैं और ये आलू थोड़ा पकने में टाइम लगता है, इसलिए पहले थोड़ा आलू को हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम बैंगन डालेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देते हैं, ज़्यादा नमक हम इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा हम बाद में ऐड करेंगे, तो अभी थोड़ा ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे हम मीडियम रखेंगे और चलाते हुए इनको फ्राई कर लेंगे। तो इधर आलू जो है हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे बैंगन। तो यहाँ पे बैंगन जो है मैंने उनको इस तरीके से पतली स्लाइस में काट लिया है। तो बैंगन आप बहुत पहले काट के नहीं रखें, क्योंकि पहले काटने से ये काले हो जाते हैं, इसलिए जब आपको डालना रहे तभी आप इनको फटाफट काट के इसमें डाल दें। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे बैंगन को और आलू को। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक थोड़ा हमने पहले भी ऐड किया है, तो अभी उसी हिसाब से आप यूज़ करें नमक को। और अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, तो 2 छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करें। साथ ही इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पानी, यानी आधे ग्लास के पानी लगभग ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके हम 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखेंगे, बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे कि सब्जी हमारी बिल्कुल जले नहीं। तो अच्छे से फिर से इसको चला देंगे, तली में बिल्कुल लगना नहीं चाहिए, और फिर से हम इसको कवर कर देंगे और वापस से 5 मिनट के लिए इसको फिर से फ्राई होने देंगे और एक बार फिर से इसको हम चेक कर लेंगे। तो फिर से हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जी तो लगभग रेडी हो गई है, आप चाहे तो अभी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे बैंगन थोड़े और गल जाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ी देर और हम इसको पकने देते हैं। देखिए बैंगन एकदम सॉफ्ट हो गए, अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं, मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए आलू बैंगन की एकदम चटपटी मसालेदार सब्जी हमारी बनके रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।